हिमाचल में कोरोना संकट के दौरान नियमों को लेकर दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं। ये आरोप सोलन में सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों की आड़ में कांग्रेसी नेताओं को निशाना बनाने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। भाजपा सरकार के नेता कोरोना संकट के दौरान लागू किए गए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, रैलियां की जा रही हैं, उद्घाटन भी किए जा रहे हैं, उनके चहेते नेताओं के स्वागत किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अगर छोटा सा भी कार्यक्रम करती है तो उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया जाता है, जो सरासर गलत है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि सत्ता पक्ष प्रदेश में दो तरह के कानून चला रहा है। कानून की आड़ में कांग्रेस पर निशाने साधे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से कर रही है, वहीं अगर कांग्रेस प्रदेश की जन विरोधी नीतियों और फैसलों के खिलाफ आवाज उठाती है तो उनकी आवाज दबाने के लिए उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सत्ता के नशे में विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, जो न्याय संगत नहीं है।